तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रोशिया वीजा के बारे में। तो जो जो लोग काफी परेशान हैं कि हमारा 3 महीने हो गया, 35 दिन हो गया, 3 महीने, 3.5 महीने हो गया जो है कि हमारा अभी तक नहीं आया, हमारा क्या होगा। तो आज हम उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों के बीच में जो है कि बात करेंगे और बताएंगे कि भैया उनका वीजा कब मिलेगा। अभी देखिए आपको पता ही है कि वीजा अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों का 3 महीने हो चुका है उन लोगों का वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उन लोग का वेरिफिकेशन भी हो चुका है, वेरिफिकेशन हो भी रहा है। तो उनका जल्द से जल्द जो है कि वीजा स्टैम्प होने वाला है। जिन लोगों का 3 महीना स्टार्ट हो चुका है और 3 महीने से जिन लोगों का ऊपर जा रहा है उन लोगों का जो है कि इस महीने में लास्ट तक जो है कि वीजा स्टैम्प होकर मिल जाएगा। और जिन लोगों का इस दिसंबर लास्ट तक सबमिशन हुआ था उन लोगों का जो है कि अप्रैल में जो है कि वीजा स्टैम्प होकर मिल जाएगा। अगर जिनका नहीं मिला, देखिए वहाँ यहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं। अगर जिनका पासपोर्ट अगर नहीं मिलता है, उनके दिए हुए एड्रेस पे नहीं आता है, चाहे उनको मैसेज नहीं आता है कि आपका पासपोर्ट हम जो है कि डिस्पैच कर रहे हैं, तो उनके लिए समझ लीजिए उनका जो है कि वीजा रिजेक्ट हो चुका है। और आपको फिर जहां से आपने सबमिशन कराया है उस जगह पे जाके आपको अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वही चीज, अगर ये चीज जो है कि नहीं लिखा रहेगा आप मेल पे, नहीं अगर ऐसे मैसेज आएंगे, मेल नहीं आएंगे, अगर आपको सीधे मैसेज आ गया मोबाइल पे आपके कि आपका पासपोर्ट जो है कि इतने तारीख को हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो आपका 100% जो है कि वीजा लग गया है, आप खुशी मनाइए। तो ऐसे कई ऐसे मेल आते हैं जो से ये मालूम चलता है कि हाँ मेरा वीजा लग गया, इनका वीजा नहीं लगा। तो कई जिनका वीजा लग जाता है, जिनका मेल आ जाता है, जिनका पासपोर्ट मिल जाता है, वो लोग बड़े खुश होते हैं। और जिनका नहीं मिल पाता है भाई, बड़े दुखी होते हैं। तो ये सिलसिला देखिए चलता रहता है, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। दोबारा ट्राई करेंगे तो शायद दोबारा उनका भी लग जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो लोग दिसंबर महीने में जो है कि किए थे अपना सबमिशन, उन लोग का स्टार्ट हो चुका है। आप लोग तैयार रहिए, आप लोग का वीजा अप्रैल महीने में जो है कि इस महीने के लास्ट और अप्रैल महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी 15 वालों का जो है कि 13 तारीख को हो गया वेरिफिकेशन, 19 तारीख वालों का होगा, 22 तारीख वालों का होगा। तो सबका धीरे धीरे जो है कि वेरिफिकेशन होगा, उन लोग का वीजा लकी मिलेगा। और अभी अपॉइंटमेंट आपको पता ही है कि वीवर्स का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अगर जिन किसी को बंदे को अपॉइंटमेंट लेनी है, चाहिए अपॉइंटमेंट, तो संपर्क कर सकते हैं। आपको पता ही है कि इस समय जो है अपॉइंटमेंट जो है कि खाली नहीं है और स्लॉट खोल भी नहीं रहे हैं, बंद किए हुए हैं। कई दिनों से ट्राई के बनने करने के बाद जो है कि हमारा इस समय बुक हुआ है अपॉइंटमेंट वेपर्स में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादा कुछ लंबा नहीं, बस इतना ही। आपको पता ही है कि अब बाकी यहाँ पे तो कुछ है नहीं। आपको पता है कि लोग आते हैं जाते हैं, लोग का वीजा आता है, लोग का वर्क परमिट आता है, ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना तैयारी कर लें। अगर आप दिसंबर में सबमिशन कराए थे तो आपका जो है कि वीजा आने वाला है, और आप तैयारियां कर लें और यहाँ क्रोशिया में आ जाएंगे। तो क्रोशिया आने के बाद जो है कि आपको पता ही है, अगर एक बार वीजा आ गए या क्रोशिया आ गए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कंपनी में ज्वाइन होना है, कंपनी में काम करना है और टाइम टू टाइम सैलरी लेना है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ आने के बाद ही आपको समझ में आएगी, क्योंकि अब इंडिया से यहाँ का सिचुएशन तो समझ नहीं पाएंगे कि काम कैसे करना है, किस तरीके से रहना है वहाँ पे, क्या कितने में क्या सामान मिलता है, कितने में कौन सी खरीदारी करनी है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ से यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।